मुझे तो ये बहुत पसंद है। आप लोग भी बनाकर देखिए कि आपको ये कैसी लगी मेरे तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, भारतीय किचन में आपका स्वागत है। मैं भारती पाटनी आज आपको बता रही हूँ सिंगाड़े की सब्जी बनाना। आइए देखते हैं इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इसे किस तरीके से बनाया जाता है। सिंगाड़े की सब्जी बनाने के लिए हमने लिए हैं ये सिंगाड़े। इसको मैं छील कर बारीक बारीक काट लेंगे। आप जैसे मर्जी हो वैसे काट सकते हैं, मैं इसको बारीक बारीक काटूंगी। ले लेंगे टमाटर, 2 से 3 टमाटर खटाई के लिए। इसमें ले लेंगे हींग, जीरा, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया और थोड़ा सा मलाई ले लेंगे। इसको क्रीमी बनाने के लिए ले लेंगे ऑयल। मूंगफली के तेल में बना रही हूँ मैं, आप जो तेल खाते हो उसमें बना सकते हैं। धनिया ले लेंगे और मिर्ची ले लेंगे, इसको बारीक बारीक काट लेंगे। बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले हम इन सिंगाड़ों को इस तरीके से छील लेंगे, साइड से भी छील लेंगे। आसानी से छिल जाते हैं। कुछ पके हुए अगर इसमें से हो तो आप उसको निकाल दीजिए, क्योंकि उनका स्वाद फिर अच्छा नहीं आएगा सब्जी में। सारे ये सिंगाड़े हमने छील कर तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें चाहे तो आप साबुत बना लीजिए या बारीक बारीक टुकड़े कर लीजिए। मैं इस तरीके से इसको कट कर रही हूँ। सारे इस तरीके से तैयार कर लेंगे। मैं इस तरीके से काट रही हूँ, आप जैसे मर्जी हो वैसे काट लीजिए। इस तरीके से काटने से थोड़े जल्दी पक जाते हैं सर। ये सारे काट के तैयार कर लिए हैं, अब बनाएंगे इसकी सब्जी। गैस पर हमने तेल गरम होने रख दिया था। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा। जब जीरा तक जाए इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्चियाँ और ये डाल देंगे कटे हुए सिंगाड़े। डाल देंगे साथ ही साथ सारे मसाले। डाल देते हैं नमक अपने स्वाद अनुसार, मिर्ची भी अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैं आधी चम्मच डाल रही हूँ, 1/4 के करीब हल्दी डाल रही हूँ और 1.5 चम्मच के करीब सूखा पाउडर धनिया पाउडर डाल रही हूँ। बस सिंपल से अपने घर में जो मसाले होते हैं उनसे ही बनेगी ये सब्जी। सब चीज़ डालकर हल्का पानी डाल के हम इसको ढक देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे सब्जी को। और सब्जी को हमें सूखी बनानी है, ज़्यादा पानी नहीं डालना, इतना पानी इसको पकने में लगेगा। आप चाहें तो इसे झोली की भी बना सकते हैं, मैं इसे सूखी बना रही हूँ। और ढक देंगे और 5-7 मिनट में ये पककर तैयार हो जाएगी। चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी है, इतना सा रहने देते हैं बीच। अगर पानी आपका कम हो जाए तो आप इसको पानी थोड़ा हल्का बढ़ा सकते हैं। जब तक ये पके नहीं आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। देख लेते हैं, ये देखिए पक गए हैं हमारे सिंगाड़े। अब इसमें इस समय पर डालेंगे थोड़ी सी मलाई। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें मलाई को। अगर आप मलाई नहीं खाना चाहते
तो बिना मलाई के भी आप इसको बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर भी। टमाटर आप देसी वाले डालें, जो खट्टे होते हैं उससे खटाई अच्छी आएगी। ढक देते हैं वापस से और 2-3 मिनट और पकाएंगे इसे। बीच बीच में हम इसको हिलाते रहे थे और चेक करते गए थे, टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं। अब इस समय पर हम गैस बंद कर देंगे और निकाल लेंगे एक बाउल में। सिंगाड़े की सब्ज़ी तैयार हो गई है और अब हम इसमें डाल देंगे सर्व करने के लिए। वाह, मुझे तो ये बहुत पसंद है। आप लोग भी बनाकर देखिए कि आपको ये कैसी लगी मेरे तरीके से। डाल देंगे थोड़ी सी मिर्ची बारीक कटी हुई और धनिया पत्ती। सजा देंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी बनाकर देखिए सिंगाड़े की सब्जी और बताएं कि आपको ये कैसी लगी। एकदम सिंपल आसान सब्जी है, बनाकर जरूर से देखिएगा और बताएं अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसी लगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।